कभी कीबोर्ड पर थिरकता हुआ मेरे रश की कमर, साज एक आवाज दो, दिखता है हारमोनियम जैसा, लेकिन अगर इससे केवल हारमोनियम समझने की भूल करेंगे तो गच्चा खा जाएंगे, क्योंकि ये बाजा बेहद खास है। इसकी पूरी कहानी आपको बताएं, उससे पहले इस सपने को जमीन पर उतारने वाले व्यक्ति की कहानी जानना जरूरी है। दरअसल सालों पहले मेनपुरी के रामचंद्र शर्मा ने एक सपना देखा, छोटे शहर का बहुत बड़ा सपना, एक ऐसे वाद्य यंत्र बनाने का ख्वाब जो महंगे केसियो यानी कीबोर्ड और हारमोनियम दोनों का संगम बन जाए, जो सुरों की गंगा जमुना बन जाए, जो दो होकर भी एक हो जाए। मुश्किलें बहुत आई, कई पल ऐसे आए जब लगा कि आगे कुछ नहीं हो पाएगा, सपने बिखर जाएंगे, लेकिन सोना तो आग में तपकर ही कुंदन बनता है। रामचंद्र शर्मा भी लगे रहे, हार नहीं मानी और आज नतीजा कामयाबी बनकर मुस्कुरा रहा है। बीते करीब एक दशक से वाद्य यंत्रों की रिपेयरिंग करने वाले रामचंद्र नोएडा से दिल्ली तक कई बड़े म्यूजिकल कंपनियों में काम कर चुके हैं। बड़े शहरों में कमाए अनुभव और अपने हुनर और के दम पर उन्होंने इस नए नवेले वाद्य यंत्र को विकसित किया है। उनका दावा है कि इससे 199 आवाजें निकाली जा सकती हैं। जब वाद्य यंत्र इतना खास हो तो सफलता का शोर तो मचाना ही है। उनके पास आसपास के कई शहरों से डिमांड आना शुरू हो गई है। उनकी बस छोटी सी इच्छा है, एक कलाकार यही चाहता है कि संघर्षों की भट्टी में तपकर जो कुछ उसने रचा है उसे उसके नाम से पहचाना भी जाए। रामचंद्र का दावा है कि ऐसा वाद्य यंत्र पूरे देश में कहीं नहीं है। इसकी कीमत भी उन्होंने बेहद कम रखी है। हालांकि बाजार के नजरिए से देखें तो एक ऐसा वाद्य यंत्र जो हारमोनियम और कैसियो दोनों का काम निकाल दे उसके दाम भी 80,000 से 90,000 होने चाहिए, लेकिन सच पूछा जाए तो सपने और संघर्ष दोनों बेशकीमती ही रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टीवी। रामचंद्र शर्मा और राम जी, क्या काम करते हैं आप? ये संगीत की ये मेरी दुकान है। रिपेयरिंग करते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट भी बनाते हैं? जी, रिपेयरिंग भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की और हारमोनियम की रिपेयरिंग है, और नई वाद्य यंत्र बनाते हैं हारमोनियम वगैरह। तुमने एक हारमोनियम बना, एक बाजा तुमने तैयार किया है जो दावा कर रहे हो कि ये भारत का पहला बाजा है, तो क्या है वो, क्या किस तरीके का है? ये हारमोनियम हमने बना के तैयार किया है, ये सिर्फ हारमोनियम का ही काम कर सकता है, और ये केसियो है, ये सिर्फ केसियो का ही काम करेगा, लेकिन ये जो हमने बाजा बना के तैयार किया है ये वाला, ये दोनों काम करता है, ये केसियो का भी काम करता है, हारमोनियम का भी काम करता है। इसमें आपको जो है ना दोनों चीज़ें ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही चीज़ से दोनों काम करते हैं। प्लस जैसे हारमोनियम में एक आवाज़ होती है, केसियो में 99 आवाज़ें होती हैं, इसमें जाके जब हमने इसको एक किया दोनों को, तो इसमें 199 आवाज़ें बनी है जाती है, क्योंकि अब जो हमारा 85,000 रुपये का बाजा है उसकी ये टक्कर लेता है हमारा खाली। अच्छा, हारमोनियम और कैसियो में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, हारमोनियम कैसियो में फर्क, हारमोनियम अपना जैसे आवाज़ बनता है, कैसियो इलेक्ट्रॉनिक होता है, लेकिन मैंने इन दोनों को एक कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक की और हारमोनियम की, क्योंकि ये अब इसमें आवाज़ जो है ना सुरीली व बेहतर निकलती है। तो एक ही बाजे में दो इंस्ट्रूमेंट आपने सामने, तो आप इनमें, आपको इसमें बनाने में कितना समय लगा? लमसम पहला ये मैंने जब आविष्कार किया था तो लमसम 2.5 महीने हमें समय लगा था। इसमें जो है आपने इसको तैयार किया है, इसमें 2.5 महीने का समय लगा है, क्या क्या आपको करना पड़ा, क्या क्या कैसे इसको तैयार कर पाए थे आप? कोई भी जैसे आविष्कार करते हैं तो उसकी धीरे धीरे पार्सल आके लगाने होते हैं, इसमें मैंने धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट किया, हालांकि इसमें हमारा 8,000 से 10,000 रुपये नुकसान भी पहले हुआ है, क्योंकि जैसे कोई चीज़ बनाते हैं तो बिगड़ जाती है तो वो नहीं लगा सकते हैं, इसमें 8,000 से 10,000 रुपये हमारा नुकसान भी हुआ था, लेकिन हमारा ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है। तो आपने कभी ये काम कैसे सीखा, कहाँ, किसी कंपनी में काम करते थे क्या? जी, मैंने दिल्ली काफ़ी कंपनियों में काम किया है, जैसे बीना म्यूजिकल है, गाजियाबाद में शर्मा म्यूजिकल है, कई एक म्यूजिकल हैं जिसमें मैंने काम किया है। ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है, इसके लिए कहीं से कोई डिमांड आई है क्या? हाँ, काफ़ी अलीगढ़ से और दिल्ली से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमें दे दो, लेकिन हम अपना चाह रहे हैं कि इस पर हमारा, हमें नाम मिल जाना चाहिए, उसके बाद हम सभी सप्लाई कर देंगे। तो आप इस बात का दावा कैसे कर सकते हो कि ऐसा बाजा दूसरा भारत के अंदर है ही नहीं? ऐसा है, सबसे अपने भारत के सबसे बड़ी कंपनी जो है वीना म्यूजिकल माना जाता है वैसे, तो वहाँ पर भी हमने 1 साल काम किया, वहाँ पर किसी कारीगर की सोच भी नहीं थी कि ऐसा बाजा बन सकता है, काफ़ी दिल्ली में गया, कलकत्ता में गया, लेकिन कहीं पर भी हमने अपनी नज़र से ये बाजा नहीं किसी के पास दे